ओके क्या हुआ? चलो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। सो अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो टुडे इज द सेकेंड क्लास ऑफ योर बिजनेस कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्लास में वी हैव डन अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन कि क्या क्या चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है, क्या क्या है। पूरा आपको मतलब पता है ना कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है? इक्वली आते हैं सारे ही चैप्टर से, बट चैप्टर का सीक्वेंस क्या, पैटर्न क्या है कम्युनिकेशन का? ग्रामर है, वोकैबुलरी है, कम्युनिकेशन चैप्टर थियोरेटिकल, चैप्टर नंबर 4 याद है? चैप्टर 4 बोला था सबसे मज़ेदार है, जहाँ हम लोग अलग अलग कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था ग्रामर से, है ना? चलो रिवाइज करो फटाफट, अपना मैट खोलो, कॉपी खोलो। पानी तुरंत। पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव स्टार्टेड, राइट? रिवाइज कर लो एक बार फटाफट, मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रही हूं, पूछूंगी अभी। चलो बताओ, द डोर इज ब्रोकन, ब्रोकन वर्ड क्या है? द डोर इज ब्रोकन, ब्रोकन रिप्रेजेंट्स विच पार्ट ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव, वर्ब, यस, डूइंग एक्शन, डूइंग वर्ड्स। क्या होगी आप लोगों को? नेक्स्ट मेरे को बताओगे, एलएनटी इज अ बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी, एलएनटी क्या है यहाँ पे? वेरी गुड, प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, नाइदर रीटा विल गो टू द पार्टी नॉर हिज सन, नॉर हर सन विल गो टू द पार्टी। नाइदर नॉर क्या है? विच काइंड ऑफ कंजंक्शन? को रिलेटिव कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन है? को रिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। द सीईओ ऑफ द कंपनी इज एक्सेप्शनली टैलेंटेड। द सीईओ ऑफ द कंपनी इज एक्सेप्शनली टैलेंटेड। एक्सेप्शनली क्या है सोच के बताओ? एक्सेप्शनली इज एडवर्ब, वेरी गुड, क्योंकि टैलेंटेड इटसेल्फ मींस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या हो गया? एडवर्ब। नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। बट वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनको जो क्वालिफाई करते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब। अलास, ही इज नो मोर। अलास क्या है? इंटरजेक्शन। जितने भी इंटरजेक्शन होते हैं वहां पे हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? वेरी गुड, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। द डॉग किल्ड द कैट, ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव, कन्वर्टेड इनटू पैसिव। द कैट वॉज किल्ड बाय द डॉग, प्लीज ओपन द डोर। एक्टिव, इसको पैसिव में कन्वर्ट करो। लास्ट क्लास ही किया मैंने सेम एग्जाम्पल। प्लीज ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन बाई समवन, बाई यू। तुम मतलब एग्जामिनर को इंस्ट्रक्ट करोगे क्या? ए डोर खोल के आओ, बाई यू, समवन, बाई समवन, ठीक है, बी केयरफुल। चलो अब नेक्स्ट लिखो हेडिंग, आर्टिकल्स। ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल्स के, ए एन द। आर्टिकल के ब्रैकेट में लिखो ए एन द। फिर लिखो एन इज यूज्ड, एन इज यूज्ड बिफोर द नाउन विच बिगिन्स विथ अ, विच बिगिन्स विथ अ साउंड ऑफ द वोवेल, विच बिगिन्स विथ द साउंड ऑफ द वोवेल। एन कब यूज होता है? जब आपको क्या सुनाई देगा? साउंड।
वॉवल होना जरूरी नहीं है, साउंड होना जरूरी है। और वॉवल के ब्रैकेट में लिखो ए ई आई ओ यू। वॉवल का मतलब क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बचा वो क्या हो गया? कॉन्सोनेंट्स। ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बचा वो क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, एन होगा क्या? श्योर। ऑल्दो आप देखोगे स्पेलिंग ऑनेस्ट का क्या है, एच ओ एन ई एस टी है ना, एच से स्टार्ट हो रहा है। क्या एच मेरा वोवेल है? नहीं, लेकिन आप जब ऑनेस्ट वर्ड बोल रहे हो तो साउंड में क्या आ रहा है? हॉनेस्ट नहीं आ रहा है, ओ वर्ड आ रहा है। ओ साउंड में क्या आ रहा है? ओ, विच इज अ वोवेल। तो व्हेन योर साउंड इज वोवेल देन यू विल सिलेक्ट व्हाट? एन। तब आप क्या सिलेक्ट करके आओगे? एन। समझ में आया? और अदरवाइज आप क्या लिखोगे? ए। और जब स्पेसिफिकली कोई बंदे को, एक इंडिविजुअल को रेफर कर रहे हो, एक थिंग को रेफर कर रहे हो, एक एनिमल को रेफर कर रहे हो, तब क्या होता है? द। तो लिख लो और एक लाइन, द इज यूज्ड, द इज यूज्ड टू रेफर अ पर्टिक्यूलर पर्सन और थिंग, टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है, चल चलो अब मैं आपको एक दो फिल इन द ब्लैंक्स बता रही हूं, आप इसको कंप्लीट करना। पॉइंट नंबर वन, शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। क्या लिखा? एन, क्योंकि साउंड में क्या आ रहा है? ओ। ऑल्दो द स्पेलिंग इज एच बट साउंड इज कमिंग ऑफ अ वोवेल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू, ब्रिंग मी डैश एप्पल, एप्पल अ, ए आ रहा है ना, ए साउंड में एप्पल आ रहा है ना, अ तो अ इज अगेन अ वोवेल, सो ब्रिंग मी एन एप्पल। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री, दे लिव, एल आई वी, दे लिव इन डैश यूनियन, बताओ यूनियन बोलो क्या होगा, सोचो यूनियन मुंह से बोलो, यूनियन मुंह से बोलो यूनियन। तो हम लोग को साउंड में क्या आ रहा है? अगर आपको एज अ लेमन मैं बोलती हूँ इसका स्पेलिंग लिखने, तो आप वाई से स्टार्ट करते हैं ना, वाई आ रहा है ना साउंड में, यूनियन वाई आ रहा है ना, वाई इज अ वोवेल क्या? नो इट्स नॉट अ वोवेल, ऑल्दो द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ यू, बट वी डू नॉट हैव टू लुक हियर एट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, हियर वी आर कंसर्न विद द साउंड। साउंड आ रहा है क्या यूनियन में? यू का साउंड आ रहा है, वाई का साउंड आ रहा है, विच इज अगेन नॉट अ वोवेल। तो क्या होगा? दे लिव इन अ यूनियन, लिखो अ। ठीक है, वहां लिख लो अ क्यों होगा? बिकॉज यूनियन में साउंड वाई का आ रहा है। ठीक है, साउंड ऑफ वाई इज कमिंग। ओके, नेक्स्ट, आई हैव लॉस्ट डैश 1 रुपी नोट, बताओ, सोच के बताओ क्या होगा? आई हैव लॉस्ट डैश 1 रुपी नोट, वाई? वन, यस, ऑल द स्पेलिंग ओ है विच इज अ वोवेल, बट साउंड क्या आ रहा है? व, वी, विच इज अ कॉन्सोनेंट, तो अ होगा ना, अ होगा। तो लिखो नेक्स्ट, शी हैज प्लांटेड डैश यूकिलैप्टस ट्री, यूकिलैप्टस ट्री। बोलो क्या होगा? यूकिलैप्टस, यू यानी वाई अगेन, तो अ होगा ना। ठीक है, स्पेलिंग भले ही वोवल का ई, ऑल राइट, कंफ्यूजन होगा ये सबको लेकर। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर सिक्स लिखो, ही वॉज डैश ग्रेट राइटर ऑफ हिज टाइम्स, ऑफ हिज टाइम्स, ही वॉज डैश ग्रेट राइटर ऑफ हिज टाइम्स,
ओ, क्योंकि यहाँ राइटर के आगे लगाया है, तो यहाँ कोई अगर एक स्पेसिफिक नाम होता, एक स्पेसिफिक जन को हम लोग आइडेंटिफाई करते, तो देन द विल बी यूज्ड, ठीक है, अदरवाइज अ। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर 7। ही सॉ डैश डॉक्टर कमिंग टुवर्ड्स हिम, द होगा क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डॉक्टर को रेफर करे जो उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है? तो मैनेज कर लोगे ये सब, डन। सो दिस कंप्लीट्स योर आर्टिकल, ओके, आर्टिकल इज ओवर। नेक्स्ट लिखो टेंसेस, गिव द हेडिंग टेंसेस। अब टेंसेस में ऐसे एरो देके लिखोगे, प्रेजेंट टेंस, थ्री टाइप्स होता है ना, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लिखा? अब हेडिंग दो, इसके अंदर पॉइंट है प्रेजेंट टेंस बड़ा करके, अब उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखो। क्या लिखा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, तो आर ई ए डी सिर्फ रीड है, मतलब क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? पास्ट कब होता है? प्रेजेंट क्या हो रहा है, जो आप अभी कर रहे हो, पास्ट क्या होता है, जो हो चुका है, फ्यूचर इज अबाउट अबाउट योर फ्यूचर, सो आई रीड अ बुक मतलब डेली यू आर डूइंग दैट, इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब होता है, जब आई एन जी यूज होगा, आई एम रीडिंग अ बुक विच यू आर डूइंग राइट नाउ, आप अभी कर रहे हो, इट इज अ कंटिन्यूअस टेंस, वो एक्टिविटी अभी भी क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। फिर एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, अभी कुछ ही देर पहले हुआ है, समझ में? जहां हम लोग हैज, हैव ये सब यूज करते हैं, आई हैव रेड अ बुक, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है? फिर एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पर क्या हो रहा है, हैव एंड आई एन जी, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। समझ में आया? चारों टाइप लिखो अब एक एक करके। सबसे पहले क्या लिखा? सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा। क्या लिखा? एग्जाम्पल, यस, आई रीड अ बुक। फिर लिखो नेक्स्ट टाइप, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट डाउन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको कन्वर्ट करो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यही स्टेटमेंट को कन्वर्ट करो, यस आई एम रीडिंग अ बुक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखो। और उसके ब्रैकेट में लिखो आप क्या होगा वहां पे, वर्ब प्लस आई एन जी, ठीक है, वर्ब प्लस आई एन जी, तो क्या लिख लिया आपने, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। फिर लिखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होगा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब, ब्रैकेट में लिखना, आई हैज रेड अ बुक, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा ना, आई के संग हम लोग हैज की जगह क्या बोलते हैं, हैव, सो आई हैव रेड अ बुक, लिखा। फिर पॉइंट नंबर 4 लिखो, यस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, हैज या फिर हैव होगा प्लस उसके संग वर्ब आएगा प्लस आई एन जी, है ना? हाँ वो तो रहेगा ही ना, लिख लो, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का प्रेजेंट टेंस, विच इज टॉकिंग अबाउट द करेंट सिनेरियो। अब लिखोगे हेडिंग, पॉइंट नंबर प्रेजेंट टेंस में हेडिंग क्या दिया था, पॉइंट नंबर ए,
अब बी लिखो, पास्ट टेंस। अब इसका भी वही सेम चार टाइप। पॉइंट नंबर वन क्या लिखोगे? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। एग्जाम्पल, आई जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, सिंपल पास्ट टेंस। तो ईडी जो वर्ब है उसके संग क्या आ जाएगा? ईडी, जो आपके पास्ट के एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो मतलब आपने अभी नहीं किया है, आपने ऐसा किया था, है ना, पास्ट में। सो आई आई जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, सच्ची में नहीं किया है, एग्जाम्पल है। ओके तो यहाँ पे हाँ लिखोगे वर्ब प्लस ईडी, पास्ट टेंस। आई हैड रेड अ बुक, ठीक है, बैठ जाओ। आई जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो लिखा, सिंपल पास्ट टेंस। पॉइंट नंबर टू लिखो, बोलो पॉइंट नंबर टू क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ लिख लो, पहले कंटिन्यूअस लिख लो, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? आई एन जी आएगा। यस, आई वॉज जंपिंग, आई वॉज जंपिंग आउट ऑफ द विंडो। हुआ, फिर नेक्स्ट लिखो, क्या लिखोगे नेक्स्ट? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, बोलो क्या होगा? आई हैड बीन जम्पिंग नहीं होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। आई हैड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। हाँ बट जनरली हम लोग परफेक्ट में हैड वर्ड यूज करते हैं, हैज हैव हैड, ठीक है, राइट। अब लिखो नेक्स्ट प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या लिखा? आई हैड बिन जंपिंग आउट ऑफ द विंडो, माई गॉड, आई हैड बिन जंपिंग आउट ऑफ द विंडो लिखो। गुड आफ्टरनून पायल, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर पास्ट टेंस, जो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? पास्ट एक्शंस को। ओके नेक्स्ट अब लिखो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। पॉइंट नंबर वन सिंपल फ्यूचर टेंस, आई शैल या विल, यहां पे शैल या विल यूज करते हैं। आई शैल जंप, ठीक है, विल या फिर शैल, आई शैल जंप। शैल में मतलब आप एक वो छोड़ देते हो कि हाँ यू आर नॉट श्योर, आई विल मतलब यू आर डिटरमाइंड, एडम एंड यू विल जंप, ठीक है। तो आई शैल या विल दोनों ही करेक्ट है। तो एग्जाम्पल लिखो सिंपल फ्यूचर टेंस का, आई शैल ऑब्लिक विल जंप। तो इसके अंदर पॉइंट नंबर वन क्या लिखा? सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखोगे बताओ? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बोलो क्या होगा? आई शैल जंपिंग बी होगा ना? हाँ आई शैल बी जंपिंग। फिर लिखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई शैल हैव जम्प्ड, ठीक है, आई शैल हैव जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो लिखो। विल शैल ये सब सब कहां पे आता है? फ्यूचर टेंस में। आई शैल हैव तो आएगा ही ना। अब आप बोलोगे आई शैल हैव जंपिंग आउट ऑफ द विंडो या जंप आउट ऑफ द विंडो इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो क्या होगा? आई शैल हैव जम्प्ड।
आउट ऑफ द विंडो. फिर फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखो. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लिखोगे बताओ? आई शैल हैव बीन जंपिंग आउट ऑफ द विंडो. राइट डाउन. ठीक है, सो शैल हैव बीन जंपिंग मेक्स इट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो दिस कंप्लीट्स योर टेंसेस. अब एग्जाम में क्या रहेगा? दे विल गिव यू वन लाइन और बोलेगा इसको या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करो या प्रेजेंट परफेक्ट में करो. हाँ, और इनफैक्ट कन्वर्ट करने बोलेगा क्या, आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज वेरी इजी. पूछेगा एम रीडिंग क्या है? एम रीडिंग, मैंने आपको दो स्टेटमेंट दिया, दो वर्ड दिया. एम रीडिंग क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, मैंने बोला हैव रेड. हैव रेड क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैव बोला मैंने, एच ए वी. हैव रेड क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैव बीन रीडिंग क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. रिवाइज कर लो एक बार तीनों टेंसेस. टेंसेस इज ओवर. आई पास्ट टेंस की पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट किसका? सेम होगा दोनों, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट सेम होगा उसमें, क्योंकि दोनों में तुम क्या बोलोगे? हैड रेड, क्योंकि रीडेड इज नॉट अ वर्ड, ईडी तो लगा नहीं सकते ना. आई हैड रेड अ बुक. आई हैड रेड अ बुक. तो यानी सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट परफेक्ट बोथ विल बी सेम, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ईडी वर्ड नहीं लगा सकते. रेड को रीडेड नहीं कर सकते, वो रेड ही रहेगा, तो उसको पास्ट करने के लिए हैड वर्ड लगाना पड़ता है. फटाफट करो. अच्छा एक बात बताओ, कल मेरे संग इकोनॉमिक्स आप लोग का 11:15 है ना, इजेंट इट? उसके बाद 1:30 आप लोग का क्या है? है ओके और उसके बाद है क्या कोई क्लास? 3:30. अगर कल पॉसिबल होगा ना तो मेरा क्या मन है ना कि बीच में 1:30 से 2:30 मैं आपका क्लास ले लूँ कम्युनिकेशन का. ठीक है, आई विल टॉक टू मैथ सर अबाउट इट. ओके हाँ, फिर मैथ सर का मेरे बाद होगा ना, ऑलरेडी आप लोग इकोनॉमिक्स करोगे मॉर्निंग. तो वही तो मैंने बोला कि एलआर की जगह जो है मैं कम्युनिकेशन लूंगी इफ मैथ्स सर अलाउ. हो गया क्या यहाँ तक? चलो अब लिखो नेक्स्ट. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी करेंगे हम लोग. अभी खाली आप हेडिंग दो टाइप ऑफ सेंटेंसेस. बट बिफोर डिस्कसिंग टाइप ऑफ सेंटेंसेज आपको ये समझना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है. तो लिखो पॉइंट नंबर वन, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टॉक्स अबाउट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टॉक्स अबाउट
द पर्सन और थिंग, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टॉक्स अबाउट, ब्रैकेट में लिखना नेम्स, नाम बताता है, नेम्स पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट, इज कॉल्ड सब्जेक्ट. नेक्स्ट लाइन, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट, विच टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज प्रेडिकेट. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज प्रेडिकेट. जो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट. ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, राज इज अ वेल्दी मैन. इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करो. नाम क्या हो गया? राज. राज कैसा है? रिच है, वेल्दी है. तो वेल्दी मैन क्या हो गया? प्रेडिकेट. तो यहां पर मार्क करो, राज सब्जेक्ट है, वेल्दी मैन क्या है? प्रेडिकेट. इज अ लिखो ना तुम, इज अ ही तो लिखोगे और क्या लिखोगे? हाँ, इज अ वेल्दी मैन. नेक्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर 3, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग इटसेल्फ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग इटसेल्फ is called as, a group of words which convey a complete meaning itself is called as main clause, is called as main clause, oblique principal clause, oblique principal clause. example, example, I have a golden chain, I have a golden chain. क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में? हाँ, कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है. इसी को कोई और सेंटेंस का सहारा चाहिए? नहीं. तो इसको क्या बोल रहे हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट दिखाई देगा, है ना. सब्जेक्ट कौन हो गया? आई हैव अ गोल्डन चेन. क्या हो गया? प्रेडिकेट. समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब नेक्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर 4, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which depend on others for conveying their complete meaning is called as subordinate clause. Example, likho ek example, I wear a chain which is made up of gold. ab mere ko, main yahan pe do, mujhe do statement dikhai de raha hai. ek ho gaya I wear a chain और एक है विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड. अब आप मुझे बताओ, आई वेयर अ चेन और विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, ये दो स्टेटमेंट में कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है? सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट. आई वेयर अ चेन एक कंप्लीट सेंटेंस सिग्निफाई कर रहा है, कंप्लीट मीनिंग बता रहा है. तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज? लेकिन ये जो नेक्स्ट पार्ट है, विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, खाली अगर मैं बोलूँ विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, इस सबको कुछ समझ में आएगा? ये जो सेंटेंस है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर? मेन क्लॉज के ऊपर, फॉर ड्राइविंग इट्स मीनिंग. तो ये जो पार्ट है स्टेटमेंट का, ये मेरा क्या हो गया? क्या नहीं, इसे डिपेंडेंट क्लॉज. तो लिखो यहां डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, मेरा क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज. क्या मैं इसको डिपेंडेंट क्लॉज की जगह सबॉर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकती हूँ? दोनों का मतलब एक ही है, डिपेंडेंट क्लॉज या सबॉर्डिनेट क्लॉज.
और आई वेयर अ चेन क्या हो गया मेरा? हाँ, मेन क्लॉज बोल लो या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल लो, ठीक है? क्लियर है? तो ये अगर क्लियर है तो अब तीनों सेंटेंसेस क्लियर हो जाएगा। अब लिखो, थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस, गिव द हेडिंग। थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस पहले ही दे दिया था, ये गेस हेडिंग ना आपने। अब लिखो पॉइंट नंबर वन, अब जो मेन सेंटेंस का टाइप है वो चालू करे, टाइप स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर वन, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, अ सेंटेंस विच हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अ सेंटेंस विच हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल, रीटा इज वेयरिंग अ गोल्ड चेन, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, कोई डिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं है। रीटा इज वेयरिंग अ गोल्डन चेन, यहां कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं रहेगा, खाली क्या रहेगा, एक ठो इंडिपेंडेंट। समझ रहे हो इसका मतलब? नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, अ सेंटेंस विच इज मेड अप ऑफ दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। पढ़ो क्या लिखा है, टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तब तो वो क्या है, सिंपल। अब उससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा। लेकिन कौन सा, डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट बोला, इंडिपेंडेंट। और जनरली आप देखोगे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है ना वो ज्वाइंट रहेंगे कंजंक्शन से, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, दे विल बी जनरली ज्वाइंट बाई कंजंक्शंस। एग्जाम्पल, रीटा इज इंटेलिजेंट एंड रीटा गोज टू स्कूल एवरी डे, एंड रीटा गोज टू स्कूल एवरी डे। कुछ भी लिख लो ना, जो मर्जी। चलो अब बताओ मेरे को, कैन आई से रीटा इज इंटेलिजेंट, ये कंप्लीट कंप्लीट स्टेटमेंट है, इट इज एन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, इज इट कन्वेइंग अ कंप्लीट मीनिंग? यस। तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस। यानी इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गए, और दोनों किससे ज्वाइंट है, देखो कंजंक्शन से, तो डेफिनेटली कौन सा स्टेटमेंट है, कंपाउंड। समझ में आया कब बोलते कंपाउंड स्टेटमेंट? आर वी थ्रू विद दिस? लिखो नेक्स्ट, थर्ड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब पता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के संग यहां क्या रहेगा, डिपेंडेंट क्लॉज, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल बताओ, ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, क्या चीज का एग्जाम्पल है ये, कॉम्प्लेक्स। Why? क्योंकि रीटा वेयर्स अ चेन क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट। विच इज मेड ऑफ गोल्ड क्या हो गया, डिपेंडेंट। तो वन इंडिपेंडेंट, वन डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है? क्लियर है?
अब मैं आपको एग्जाम्पल डिक्टेट कर रही हूँ, एक बार पहले पूरा रिवाइज कर लो। बहुत सारे बच्चे पता है आपको कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, बट बहुत सिंपल है। एक अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट है ही नहीं, तो एकदम सिंपल स्टेटमेंट होगा, सिंपल सेंटेंस। दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जहाँ एंड वगैरह देखोगे तो पक्का टिक कर देना कंपाउंड, और जहाँ एक इंडिपेंडेंट और एक क्या देखोगे डिपेंडेंट, तो वो क्या हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, फिर मैं एग्जाम्पल डिक्टेट कर रही हूँ, यू विल राइट आइडेंटिफाई करोगे। लिखो एग्जाम्पल, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग अंटिल यू स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक। बताओ हाउ कंपाउंड एंड बट ये सब दिखाई दे रहा है कहीं? अंटिल इज अ प्रीपोजिशन नॉट अ कंजंक्शन। एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो कि कंपाउंड है, ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग, ठीक है, एक स्टेटमेंट हुआ, यू स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक, इज इट मेकिंग एनी सेंस? मैं अगर इसको अलग से बोलूँ, यू स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक, कोई रेलिवेंस है स्टेटमेंट का? ये अपना मीनिंग किससे डिराइव कर रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट से, तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ पे, तो ये कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स ना, लिखो इसका आंसर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पॉइंट नंबर टू, इट वॉज रेनिंग वेरी हैविली, इट वॉज रेनिंग वेरी हैविली एंड ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। इट वॉज रेनिंग वेरी हैविली एंड ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, बताओ। श्योर कंपाउंड होगा, वेरी गुड, क्योंकि दोनों क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दे आर ज्वाइंड बाई एंड कंजंक्शन। लिख लो कंपाउंड। नेक्स्ट, टू एयर इज ह्यूमन, दिस इज अ प्रोवर्ब, यू नो इट। टू एयर इज ह्यूमन का मतलब बताओ क्या होता है? हाँ, गलती करना ह्यूमन नेचर है, प्रवृत्ति है ह्यूमन का, ठीक है। एयर मतलब एरर, तो ये क्या एक सिंपल सेंटेंस ही तो है, लिख लो सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। द करेज वोन हिम ऑनर, सिंपल, वेरी गुड आकृति एंड श्रुति। क्या होगा बोलो? सिंपल होगा ना, द करेज वोन हिम ऑनर क्या होगा? सिंपल, ठीक है। अब और एक चीज देखो यहाँ पे, नाइट कम ऑन एंड रेन फेल हैविली एंड वी ऑल गॉट वेट। रेन फेल हैविली अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वी ऑल गॉट वेट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, नाइट कम ऑन ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? कंपाउंड ना, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। लिख लो एग्जाम्पल, लिखो नाइट कम ऑन, एग्जाम्पल नाइट कम ऑन एंड रेन फेल हैविली एंड
रेन फेल हेविली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट. रिवाइज रिवाइज कर लो फटाफट. रिवाइज करो फटाफट. हो गया रिवीजन करना है कि पूरा क्लियर है? क्लियर है. नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग दो, प्रेफिक्स एंड सफिक्स. नया टॉपिक प्रेफिक्स एंड सफिक्स. आर्टिकल्स किया आज हमने, टेंसेस किया हमने, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले ही कर लिया था, एक्टिव पैसिव कर लिया था. अब नया टॉपिक क्या है? प्रेफिक्स एंड सफिक्स. नहीं, वो हम लोग पंचुएशन में करेंगे. हाँ लिखो, प्रेफिक्स लिखा, प्रेफिक्स एंड सफिक्स. अब लिखो पॉइंट नंबर वन, उसके नीचे प्रेफिक्स. पहले प्रेफिक्स डिस्कस करेंगे. लिखो, प्रेफिक्स मींस एडिशन. प्रेफिक्स मींस एडिशन टू द रूट वर्ड एट द बिगिनिंग. एडिशन टू द रूट वर्ड एट द बिगिनिंग, ठीक है? यानी पहले ऐड करते हैं. एग्जाम्पल, ओन, डिजोन. तो डिस क्या हो गया? प्रेफिक्स. यस. फ्रीज, डी फ्रीज, रीफ्रीज एटसेट्रा. डन. अब लिखोगे आप टाइप्स ऑफ प्रेफिक्सेस. हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ प्रेफिक्सेस. पॉइंट नंबर वन, सपोर्टिव प्रेफिक्स लिखो. पॉइंट नंबर वन आपके कॉपी में लिखो, सपोर्टिव प्रेफिक्स. सपोर्टिव प्रेफिक्स, सपोर्टिव का मतलब वो वर्ड को सपोर्ट कर रहा है, उसको उल्टा नहीं कर दे रहा है. जैसे यहां पे अलार्म का मैंने बोला डिस अलार्म, ओन डिजोन. ये तो वर्ड को, मीनिंग को पूरा चेंज कर रहा है, बट सपोर्टिव मतलब आपको सपोर्ट कर रहा है. समझ में? जैसे शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ वेरी गुड गर्ल, तो मतलब उसको और सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसके गुडनेस को. क्लियर है? तो लिखो एग्जाम्पल, सपोर्टिव प्रेफिक्स के ब्रैकेट में क्या लिखा? सपोर्ट द रूट वर्ड. इट सपोर्ट्स द रूट वर्ड. एग्जाम्पल, आप ऐसे लिखोगे, एक डैश दोगे और उसके बगल में लाइफ. अब पूछेगा एग्जाम में, इसके आगे एक प्रेफिक्स दो जो इसको सपोर्ट करे. लिखो प्रो लाइफ, प्रो लाइफ, प्रो चॉइस. मीनिंग वही है, उसको सपोर्ट कर रहा है. पॉइंट नंबर वन लिखा. पॉइंट नंबर टू, ऑपोजिंग प्रेफिक्स. ऑपोजिंग, ऑपोजिंग, उसको ऑपोजिट, ठीक है? लिखो एग्जाम्पल, डैश हाइफेन क्लॉकवाइज. हाँ, इसका उल्टा कर देना है. बोलो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्लेम, अनक्लेम, काउंटर क्लेम. ठीक है. कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा इज ऑल्सो अगेंस्ट ना, कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्शन, उल्टा कर देना उसको. तो ऑल दीज आर ऑपोजिट. फ्लो, कॉन्ट्रा फ्लो मतलब ऑपोजिट, उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. लिख लो ये सब एग्जाम्पल. फ्लो,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लेम काउंटर क्लेम, फ्लो कॉन्ट्रैक्ट फ्लो, ठीक है लिख लिया। थर्ड टाइप ऑफ प्रेफिक्स लिखो, नेगेटिव प्रेफिक्सेस, नेगेटिव। हाँ उसके मीनिंग को नेगेटिव कर देना। एग्जाम्पल लिखो सिमेट्रिकल, आपको पता है असिमेट्रिकल, लिख लो सिमेट्रिकल। उसके आगे क्या लिखोगे? एसिमेट्रिकल। तो ये क्या हो गया आपका प्रेफिक्स। तो ये देख रहे हो सब रूट वर्ड्स के आगे आ रहे हैं ना, तो जो आगे आता है उसी को तो प्रेफिक्स बोलते हैं। मॉरल, मॉरल मतलब कि आपका बहुत अच्छा मॉरल ग्राउंड्स वगैरह है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ नहीं एकदम ही यू आर इमोरल, तो या तो इमोरल बोलो या बोलो ए मॉरल। ए लिखते ही पूरा पता है वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है ना। तो ए मॉरल इज ऑल्सो करेक्ट एंड इमोरल इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। हिस्टोरिकल बोलो, हाँ ए हिस्टोरिकल। आर्म, डिजार्म, वेरी गुड। लॉयल, डिसलॉयल, फेथफुल, हाँ अनफेथफुल। मैनर्ड, वेरी गुड, इल मैनर्ड। लीगल, यस इलीगल, लिखते जाओ सारे एग्जाम्पल। लिटरेट, इलिटरेट, लिटरेट इलिटरेट, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और कभी भी ना एग्जाम में सब पूछता ही नहीं है नेगेटिव अपोजिंग, खाली एक वर्ड देता है और बोलता है इसके आगे कौन सा प्रेफिक्स सूट करेगा पुट करो, वो भी चार ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। लिखो बैलेंस, इम्बैलेंस, डिसबैलेंस, इम्बैलेंस डिसबैलेंस कुछ भी। मोबाइल, इमोबाइल, है ना लिख लो, लिखो मोबाइल इमोबाइल। प्रोडक्टिव का बताओ प्रेफिक्स क्या होगा, वेरी गुड। अनप्रोडक्टिव लिख लो, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव। एग्रेसिव, नॉन एग्रेसिव, जैसे बोलते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, एग्रेसिव नॉन एग्रेसिव, ठीक है। और एक लिख लो लास्ट, अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल। अब लिखो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेफिक्स, रिवर्सेटिव प्रेफिक्स। ये भी आपको लगे यार सेम ही तो है, रिवर्स कर देना उसका उल्टा कर देना, तो वही तो अपोजिंग हुआ, वही तो नेगेटिव हुआ, ठीक है। रिवर्सेटिव जो क्या कर रहा है यहाँ पे, पूरे एक्शन को अंडू कर दे रहे, जैसे फ्रीज डी फ्रीज, लॉक अनलॉक, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल, इसका मतलब लिख लो रिवर्सेस द प्रीवियस एक्ट, अनडूइंग द प्रीवियस एक्ट, अनडूइंग द प्रीवियस एक्ट। एग्जाम्पल लॉक, तो इसके आगे क्या लिखोगे? अनलॉक। सिलेक्ट, डी सिलेक्ट बोलते हैं ना, डी सिलेक्ट। क्वालिफाई, वेरी गुड। डिसक्वालिफाई, इनवाइट किया किसी को, मना कर दो, डिसइनवाइट कर दो, पता है इनवाइट का होता है डिसइनवाइट, लिख लो। स्क्रैम्बल अनस्क्रैम्बल, सो राइट डाउन, डन। नेक्स्ट टाइप लिखो, पॉइंट नंबर 5 आई गेस है ना इसका, डेरिवेटिव प्रेफिक्स। अब इसका भी मतलब वही बोल रहा है, डिप्राइविंग समथिंग ऑफ, हटा देना। अरे तो वही तो हुआ भाई, आर्म डिजार्म, कैंप डी कैंप, फ्रीज डी फ्रीज, रीफ्रीज, फ्रॉस्ट डी फ्रॉस्ट। लिखो डेरिवेटिव का मतलब लिखो डिप्राइविंग समथिंग, डिप्राइविंग मतलब रिमूविंग, रिमूविंग समथिंग, रिमूविंग समथिंग। एग्जाम्पल लिखो कवर अनकवर, आर्म डिजार्म, इल्यूजन डिसइल्यूजन, मार्क अनमार्क, कैंप डी कैंप। प्लेन डी प्लेन, प्लेन मतलब होना प्लेन सरफेस, प्लेन लैंड, डी प्लेन मतलब ऊबड़ खाबड़, क्या चीज ये भी होता है,
प्लेन सरफेस, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखो आप, पेजोरेटिव प्रिफिक्स। अब ये क्या है, किसी को गंदा साबित कर रहा है ये प्रिफिक्स, ठीक है। लॉयल, डिसलॉयल, समझ में आया? लिखो, ही इज मॉरल, अमोरल। क्लियर? कैलक्यूलेट, मिस कैलक्यूलेट। स्पेलिंग, मिस स्पेल। राइट डाउन, मिस स्पेल, मिस कैलक्यूलेट, मिस मैनेज। एक आप बोल रहे हो आप अच्छी तरह से मैनेज करो, मैंने बोला मिस मैनेज करो, तो उल्टा कर दिया ना। मिस, एम आई एस। पेजोरेटिव का आप एग्जाम्पल मिस लिखोगे, एम आई एस, गलत कर देना। हुआ? फिर लिखोगे नेक्स्ट प्लेस प्रिफिक्स। प्लेस प्रिफिक्स, नाउ अब यहां पे क्या है ना, विद टाइम रेलेवेंस भी बोल रहा है। आपने सुना होगा प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर। प्री मतलब बिफोर होता है ना। यू शुड हैव प्री ऑर्डर्ड इट, वी शुड हैव टेकन प्रिकॉशंस बिफोर, प्रीकॉशन, तभी तो प्रीकॉशन बोलते हैं। कॉशन बिफोर मीन्स व्हाट, प्रीकॉशन, ठीक है। तो लिखो एग्जाम्पल, और पोस्ट मतलब क्या हो गया, बाद में, आफ्टर। तो लिखो प्री, एक एग्जाम्पल लिखोगे प्री, एक एग्जाम्पल लिखो पोस्ट, एक लिखो इंटर। इंटर बोलते हैं ना कितनी बार, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरीम, इंटरजेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और इंट्रा मतलब होता है इनसाइड। लिखो, हुआ? नेक्स्ट लिखो साइज। साइज प्रिफिक्स, मिनी फोन, माइक्रोफोन, मेगाफोन, मेगावाट, मेगा मिनी, ये सब नहीं बोलते, मिनी मार्केट, मेगा कैब। लिख लो एग्जांपल, मेगा मिनी। अच्छा, मीडियम को मिडी भी बोलते हैं, हमने सुना नहीं है कभी, हम पूरा मीडियम वर्ड ही सुनते हैं, बट शॉर्ट में इसको मिडी भी बोलते हैं। मिडी कंप्यूटर, मिडी बस, मिनी बस तो आपने सुना होगा, मिडी बस भी होता है, मीडियम साइज्ड। तो लिख लो साइज प्रिफिक्स का एग्जाम्पल, मेगा, मिडी, मिनी, ठीक है। फिर टाइम प्रिफिक्स, टाइम तो पता है, एक्स गर्लफ्रेंड, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी पहली वाली ना, ये मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड है, समझ में आ रहा है? तो एक्स फोर, क्लियर है? लिख लो एक्स, एक्स वाइफ, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स स्टूडेंट। पोस्ट वॉर, पोस्ट वॉर मतलब क्या, आफ्टर वॉर, उसके बाद। तो एक्स पोस्ट, री, री मीन्स वॉट, अगेन, रीप्रिंट दिस अगेन। हैव यू हर्ड अबाउट मोनोरेल, बाई रेल, यूनिलैटरल, ट्राईसाइकिल, बाई साइकिल, बाई मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री। तो ये क्या हो रहा है, नंबर हो गया, नंबर डिनोट कर रहा है, मोनो मीन्स सिंगल, तो ये क्या हो गया, नंबर प्रिफिक्स। तो नेक्स्ट लिखो नंबर प्रिफिक्स। सेमी सर्कल के बारे में भी सुना होगा, हाफ। लिख लो एग्जाम्पल, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, टेट्रा पैक बोलते हो ना, हेप्टा, सब पढ़े होगे बचपन में, साइजेस का नाम बोल दिया, ट्राई, डुओ। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या, वन। ट्राई साइकिल, ट्राइंगल, लिख लो। ऑक्टा, डेसी, डेकेड बोलते हैं ना, डेकेड मतलब क्या, टेन इयर्स। सेमी, सेमी सर्कल, हेमिस्फीयर, किलोग्राम, तो ग्राम तो एक यूनिट है, उसके आगे किलो मिली लगा देंगे तो चेंज हो जा रहा है ना, तो किलो मिली, ये सब भी क्या, साइज ही तो बता रहा है। हाँ, मिल इज योर 1000, वन बाई 1000 इज योर मिली थाउजेंड, है ना, और उससे भी छोटा। नेक्स्ट लिखो स्टेटस प्रिफिक्स। बोलते हैं ना, ही इज माई को वर्कर, ही इज माई वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट चेयरमैन, तो ये क्या हो गया, स्टेटस डिनोट कर रहा है। लिखो स्टेटस प्रिफिक्स एग्जाम्पल, को पार्टनर, को ऑथर, वाइस चेयरमैन, एटसेट्रा, वाइस चेयरमैन, बोलते हैं ना वाइस, वाइस प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, सब स्टेटस बता रहा है, ठीक है।
सो दैट्स इट. एक और लिख लो, मिसेलेनियस. क्वाजी का मतलब समझते हो ना? क्वाजी मीन्स वॉट? सेम. क्वाजी इंटेलेक्चुअल, क्वाजी जुडिशियल. पैरा मीन्स वॉट? समथिंग बियॉन्ड. दिस इज पैरा नॉर्मल, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन. मोटिवेटिंग के आगे अगर मैं आपको बोलूं एक प्रेफिक्स लगाओ तो क्या लगाओगे? या तो डीमोटिवेटिंग लगा दो, उसका पूरा अपोजिंग, या बोल दो सेल्फ मोटिवेटिंग. और कुछ आ रहा है दिमाग में तो बोलो. मोटिवेटिंग के आगे और क्या लगा सकते हो? डी और सेल्फ ही आ रहा है मुझे तो. आप बताओ अगर आपको कुछ आता है तो. नहीं है और कुछ? ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो आपको ये लिख के आना है, तो डीमोटिवेटिंग या सेल्फ मोटिवेटिंग. सेटिस्फैक्शन का बताओ प्रेफिक्स, वो तो देख के बोल दिया सेल्फ सेटिस्फैक्शन. और बताओ डिससेटिस्फैक्शन. अनसेटिस्फैक्शन क्या होता है भाई? कौन सा इंग्लिश है? हाँ, अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, अनसेटिस्फाइड होता है. अनसेटिस्फैक्शन तो कुछ नहीं होता, डिससेटिस्फैक्शन होता है. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर सफिक्स प्रेफिक्स. प्रेफिक्स कहाँ आता है? रूट वर्ड के पहले. कोई डाउट है यहाँ तक? चलो अब मैं आपको 5-6 तो दे रही हूँ, आप उसमें प्रॉपर प्रेफिक्स लिखना. ठीक है, चलो वर्ड्स लिखो, मैं दे रही हूँ. इसको क्या करना है? प्रेफिक्स से अटैच करना है. लिखो. हाँ, विच लिखा मैंने, बोलो मत. फिल इन द गैप्स विद अप्रोप्रिएट प्रेफिक्स. चलो एक और कर लो. हो गया एवरी वन? लेटर डू कंप्लीट करो. लाइफ फ्रॉम होम हो गया आपका एवरी वन? इज इट डन? लाइफ फ्रॉम होम, प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन चैट बॉक्स. चलो कैन वी डिस्कस? यू नीड मोर टाइम. फर्स्ट बेंच, कैन वी डिस्कस? चलो बोलो. नंबर वन, यस, वेरी गुड. बी विच? नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल क्या होगा बोलो? अनइंटेलेक्चुअल. लॉयल, डिसलॉयल. अच्छा, लॉयल्टी है, डिसलॉयल्टी. रीफ्रीज, डी फ्रीज, एनीथिंग कैन राइट. वेरी गुड. एंटीबॉडी, इलीगल, एसिमेट्रिकल. तो बताओ कितना इजी है? ये सब आप नहीं कर पाओगे क्या एग्जाम में? आराम से कर लेंगे हम लोग, है ना? अब इस चैप्टर में क्या क्या बचा है मेरे को बताओ. सफिक्स बचा है और पंचुएशन बचा है, जहां पे पूछता है फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, कॉमा कहाँ, कोलोन कहाँ, ठीक है, एपोस्ट्रॉफे कहाँ लगेगा, तो इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगेगा, कोटेशन मार्क, क्रीसेंट ब्रैकेट, स्क्वायर शेप ब्रैकेट. ब्रैकेट का भी अलग अलग शेप्स है, देखो ना, अलग अलग है. ये रहा देखो, क्रीसेंट, स्क्वायर, ब्रेस, एंगल ब्रैकेट. तो ये सब हम लोग कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास. तो एक क्लास और लगेगा, एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कल ही आपका ये चैप्टर ना नक्की कर दूँ. ठीक है, नॉट टू यू नो कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीक. तो मैं एक बार बात कर लूंगी कि अगर पॉसिबल होगा तो कल ही ये करके हम लोग नक्की कर देंगे. ठीक है, तो आई होप आज का क्लास पूरा आप लोगों को समझ में आ गया है. तो आज जो भी लिखवाया है घर जाके क्या करोगे बताओ? रिवाइज करोगे, जो पहला क्लास करवाया था वो और आज का क्लास. तो इससे पूरा ग्रामर प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है, और प्रॉपरली प्लीज एक कॉपी मेंटेन करके रखना, इधर उधर मत लिखना. इसका आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा एग्जाम्स वाले टाइम. यहाँ से रिविजन करने में आपको बहुत ईजी लगेगा. ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एवरी वन. एंड दोज हु हैव नॉट ज्वाइंड अवर क्लासेस येट, प्लीज ज्वाइन इट वेरी फास्ट. यू कैन गो टू www.mepl